सभी मिलकर नारा लगाए तो सुनने के लिए
शायद जगह है जहाँ पर हर साल जो है वो उस पावन धरती पर यज्ञ किया जाता है और बागेश्वर धाम की सरकार जो है वो लोगों को ईश्वर सरकार आपको दर्शन करने हेतु यहाँ पर उपस्थित अपने मोबाइल स्क्रीन पर श्री जी महाराज जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जितने भी लोग यहाँ पे आना चाहते हैं ये लाइव के माध्यम से जे के आर्टिस्ट के माध्यम से ये लाइव विजुअल आपको लाइव विजुअल देख रहे हैं देखिए कि मैं आपको बता दूं बागेश्वर धाम सरकार जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और आप लोग जो है वो जुड़े रहिए, आप लोगों को अंत तक लाइव के माध्यम से जो है वो बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन जो है वो हम करवाते रहेंगे। जैसा कि आप लोगों को कहा गया था कि बागेश्वर धाम सरकार जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और अभी वो वक्त आ गया है। बागेश्वर धाम सरकार जो है वो आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ जहाँ पर लगी हुई है, सिक्योरिटी के काफ़ी पुख्ता इंतजाम जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। कुछ वॉइस का इशू था, कुछ मेरे भाई बोल रहे थे कि किंग, उन्होंने कहा कि वॉइस का इशू है। अभी आप देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार जो है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और अब बताइए कि वॉइस जो है वो आपको आ रही है कि नहीं आ रही है। पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो पावनपुरी पौनी से दर्शन जो है वो बागेश्वर धाम सरकार के जय रियासी जगह न्यूज़ के माध्यम से हो। आज सुबह से ही हम जो हैं वो बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज और बालक जोगेश्वर दास जी महाराज के दर्शन जो हैं वो हम आपको कराने वाले हैं। और अभी आप लोग जो हैं वो आप लोगों को सौभाग्य जो है वो प्राप्त हुआ है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जो हैं
को इस खबर को देख सकें, बागेश्वर धाम सरकार को देख सकें, महाराज जी को सुन सकें। ओके मेरे भाई जुड़े हैं, रेणु सिंह वॉइस क्लियर है तो ठीक है, थैंक यू भाई जी। कुछ इशू था इस कारण आपको शायद आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन अब आपको आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है, यह हमें कंफर्म हो गया है। और हम आपको जो है वो ये लाइव तस्वीरें जो है वो इस वक्त पावनपुरी पौड़ी से दिखा रहे हैं। आप जुड़े रहिए और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वक्त देख रहे हैं श्री बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को, उनके साथ हैं संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी महाराज। अमी भैया सर और संत श्री वाले के जोगेश्वर दास जी महाराज के, मैं आपको बता दूँ इसमें पावनपुरी पौड़ी से आप लोग लाइव ये सारी तस्वीरें देख रहे हैं। और पावनपुरी पौनी कल यहाँ पर सफरी से इंतजार था तो वो अब खत्म हो चुका है। और यहाँ पर भक्तजन की बात की जाए तो लगभग 6,000 यहाँ पर भक्तजन पहुँच चुके हैं। और जय श्री राम जी के नारे आपके जो है बिना शांति गूंज रहे हैं, आप लोग सभी शांति रखें और ध्यान से दिखाई नहीं दे रहा है।
सुराम रजु देशी सीताराम रजु रामचंद्र के दास राम राम कहते रहो जले रहो धीर कारज संभालिए कृपा सिंधु रघुवीर राम श्री राम वीरम जानकी शोकनाशनम कपी समक्ष हंतारम वंदेनम काढ़ंतरम भोस्त्री कृतवारी समस्की कृतराक्षसम रामायण महामानारत्नम वंदे अनिरात्मजम मनोजम मारुतद्रुम दिव्यं बुद्धिमतारुष्टम वातात्मजम वानरयूथोक्यम श्रीरामजगतम शरणं विपद्यते मात पिता गुरु मानस ना जानिए यह सब है अमृत किशोर रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की बागेश्वर धाम की भगवती माता वैष्णो देवी की नव दुर्गा माता की श्री नरसिंह भगवान की परम श्री अवतारी संत योगेश्वर श्री भारतदास जी महाराज की इनकी जन्मभूमि की धोनी ग्राम शहर की धोनी में रहने वाली पटना की जम्मू कश्मीर के जो पगला जो 12 बजे संगठन शरीर के पूर्व के सभी नाते रिश्तेदारों की परम पूज्य श्री महाराज जी के माता पिता की और फिर से ही पगलन की भारत हिंदू राष्ट्र की भारत हिंदू राष्ट्र की भारत हिंदू राष्ट्र की अमर जवानों की वीर अमर जवानों की भारतीय वायु सेना की जम्मू कश्मीर की पुलिस बल की पार्वती बने साधु जी ओ साधु जी जोर से बोलो कैसे हो बढ़िया निकल जाओ हम भी निकल लेकिन आज हम जो है माता वैष्णो देवी के दर्शन करके बड़ी देर से चले बागेश्वर धाम वीरेंद्र शास्त्री जी जलाई और अभय जलाई जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी के दर्शन करके यहाँ पर भक्तों को जम्मू कश्मीर के परम प्रवेश संत योगेश्वर श्री बालक दास जी महाराज की जन्मभूमि हमें ऐसा लग रहा जैसे हम अपनी ही जन्मभूमि आ गए हैं और आप लोगों का प्यार देखकर हमें ऐसा लग रहा
जैसे हमारे ही परिवार के सब सदस्य बैठे हो, कोई माता है तो कोई भैया बैठे, कोई बहने भी विराजमान है, तो कोई परिवार के अन्य सदस्य, सब लोग जो चेहरे पे चमक है, जो सनातन के प्रति उज्ज्वलता है, ऐसा लग रहा है कि हम अपनी जन्मभूमि में आ गए और आज से कौमी हमारा ही हो गया है और हम इस गाँव के हो गए। और वैसे तो पूज्य महाराज जी ने जवानों के नामों को रखा है, एक बहुत अद्भुत भारत राष्ट्र प्रेम के प्रति समर्पित भारतीय सेना के प्रति समर्पित स्तंभ है। लेकिन एक बात हम आपसे बोले, ये राष्ट्र प्रेम का जीवन तो है, लेकिन अब कौनी हमें ऐसा अनुभव हो रहा है, यहाँ आकर एक ऐसे पित्र संकलन जहाँ अवतार लिया है, निश्चित रूप से ये कोई बहुत बड़ी धार्मिक नगरी है। वर्तमान में तो धार्मिक नगरी है ही है, कालांतर में पूज्य महाराज जी के कारण इस कौनी क्षेत्र, कौनी ग्राम, इस कौनी शहर में और आस पास क्षेत्र में आस्था का महासैलाब आएगा। अभी भी कमरे जो जहां जहां खड़े हैं, कुछ लोग पीछे खड़े, कुछ लोग छतों पर टंगे, भाई साहब हम पहचान गए आप कौनी के आओ, कुछ लोग माया जी हमारे नाम से बिल कटवाए, कुछ लोग जाली पर, कुछ लोग पेड़े पर टंगे, कुछ लोग इस तरह भी जो जहाँ खड़े हैं बैठे हैं, भगवान बागेश्वर बाला जी के चरणों में हम प्रणाम करके, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम करके आप सबको खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। सबका मंगल हो, जो जो मनोकामना लेकर के आए हो, जाओ पूरी हो जाओ, जाओ जिंदगी भर जय जय हो जाओ। एक बात बोले कैसे बोलो, जहां संत आते हैं जिस गांव में नगर में, वहां सौभाग्य होता है। जहां संत ठहरते हैं वहां परम भाग होता है, लेकिन जहां संत जन्म लेते हैं वह सबसे बड़ा भाग होता है। ये भूमि कोई साधारण नहीं, और संतों की महिमा इस धरती पर प्राचीन काल से है। देखो हनुमान जी महाराज का ही परिचय लेना हो तो लीजिए, हनुमान चालीसा में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया क्या, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन दुलारे। श्री हनुमान जी महाराज साधु संतों के रक्षक हैं, राक्षसों के भक्षक हैं, और मेरे पागलों तुम लोग भाग्यशाली हो। एक बात याद रखना, जिस नगर में संतों का जन्म होता है, जिसकी जिंदगी में संतों का आगमन होता है, उन्हें राम के पास नहीं जाना पड़ता, राम जी चल करके उनके पास आते हैं। सुग्रीव को जाना पड़ा, सुग्रीव की महाराज बैठे का विश्वरूप पर्वत था, और जम्मू कश्मीर में ये कौमी भी पूरे ब्रह्मांड में भारत का भी मुख है, भारत का मुख है। अच्छा, लेकिन भारत का मुख अगर कौमी क्षेत्र जम्मू कश्मीर है तो पेट मध्य प्रदेश है, और पेट अगर मध्य प्रदेश है तो खाओगे तो हम तो भरेंगे भाई, क्योंकि देख नहीं रखते। तो अगर मुख अगर जम्मू कश्मीर की है, कौमी क्षेत्र की ये कल्याण है, श्री सुग्रीव जी महाराज पर्वत के ऊपर बैठे, हनुमान जी इनके साथ में मंत्री के रूप में। अच्छा, पर्वत पर क्यों बैठे, छिपे भाई बैठे, डर लग रहा हो किसका, भाई बाली का, बाली मार महाराज सुग्रीव बेचारे डर रहे। इतने में राम जी और लक्ष्मण जी माता जानकी जी की खोज करते हुए चल पड़े तो नीचे पहुंचे। रामायण में वर्णन आया, विश्वमुख पर्वत निराया, विश्वमुख पर्वत नजदीक आया, जैसे ही नीचे राम जी और लक्ष्मण जी को सुग्रीव ने देखा, सोई भी बिहारी हो गया। हनुमान जी बोले क्या बात है, बड़े पेशेंस क्यों तुम्हारे,
सुग्रीव जी बोले नीचे तो धनुष धारी आए, हनुमान जी बोले तो तुम्हें क्या देखा, नारद बोले कहीं तीर चला दिया तो हमारा हो जाएगा, प्राण निकल जाएंगे, चिंता मत करो हनुमान जी बोले, हम देखते हैं पंचर देते हैं कौन है। सुग्रीव जी बोले हमें कैसे पता लगेगा कि मारने वाला है कि बचाने वाला है, हनुमान जी बोले हम एक काम करेंगे, हम बात उनसे करेंगे, देखेंगे तुम्हारी तरफ, बार बार आंखें बंद करें खोले समझ जा रहा लाल बत्ती है। तो सुग्रीव जी बोले हम क्या करेंगे, हनुमान जी बोले भागो, तालाब में जैसे आंखें करें समझ जाना खतरा ही खतरा है, प्राण तो ठीक है हड्डियां नहीं बच रही है। तो सुग्रीव जी बोले महाराज हमारे लोग खतरा नहीं हो तो क्या उपाय है, उसका क्या उसकी क्या संकेत होंगे, हनुमान जी बोले अगर खतरा नहीं होंगे तो हम मुस्कुराएंगे, तो हम मुस्कुराए समझ जाना कोई खतरा नहीं था, प्लीज ट्रिगर, हनुमान जी नीचे आए, हनुमान जी राम जी से चर्चा करते हैं, सरकार आपकी जय हो, राम जी बोले हनुमान जी आपकी जय हो। तो हनुमान जी का जब परिचय राम जी से हो गया तो हाथ जोड़ करके श्री हनुमान जी ने कहा हे प्रभु हे राम, ऊपर पर्वत के ऊपर एक बीमार आदमी पड़ा, कौन सुग्रीव, कौन सी बीमारी है, दल की बीमारी। राम जी बोले बीमार है तो हम क्या करें, हनुमान जी बोले महाराज जो बीमार है आप वैद्य हो डॉक्टर, आप चलिए दवाई कर लो उसका भय मिट जाए, अब भय कर लो। तो राम जी बोले भैया जो बीमार होता है वही डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर थोड़ी जाता है, बीमार आदमी को आना चाहिए। हनुमान जी बोले महाराज छोटा मोटा बुखार चल जाता है तो व्यक्ति बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास चला जाता है, जब कोई ज्यादा सिद्ध हो जाता है तो या तो एम्बुलेंस को जाना पड़ता है या डॉक्टर को चल करके जाना पड़ता है, ये ज्यादा बीमार है। तो राम जी बोले भैया हम जाएंगे कैसे, हनुमान जी बोले हमारे कंधों पर बैठ कर, राम जी बोले हम गिर नहीं जाएंगे, हनुमान जी बोले हमारा सिर पकड़ लेना आप नहीं गिरोगे। तो लक्ष्मण जी बोले कहा आपका सिर पकड़ेंगे बाल पकड़ेंगे तो फिर कहीं कौन गिरेगा, तो दोनों तीनों चले गए। हनुमान जी बोले महाराज तो हमारे कंधों पर बैठोगे हमारा सिर पकड़ोगे तो पैर तो लटकेंगे नीचे, हम आपके जल पकड़ लेंगे और जिसके माथ पर रघुनाथ का हाथ होता है वो तो कभी गिरता नहीं है। हनुमान जी लेकर के सुग्रीव के पास गए, मेरे पागलों हम पौनी के पागलों से अपने गांव वालों से यही कहना चाहते, जिनकी जिंदगी में संत होते हैं, जिनकी जिंदगी में गुरु होते हैं, जिनकी जिंदगी में महात्मा होते हैं उन्हें राम जी के पास नहीं जाना पड़ता, परमात्मा को चल करके उनके पास आना पड़ता है। और पौनी के लोग तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास एक ऐसे राष्ट्र भक्त महापुरुष अवतरित हुए तुम्हारी जन्मभूमि में, एक ऐसे महात्मा एक ऐसे दिव्य पुरुष जिनकी चेतना और जिनकी वाणी और जिनका स्वभाव आज पूरे भारत में संत योगेश्वर भारतवास जी महाराज के नाम से जाना जाता है। स्वामी के लोगों आप भाग्यशाली हो और हम तुमसे प्रार्थना करेंगे जितने सनातन हिंदू यहाँ पर विराजमान है तुम केवल एकत्रित हो जाओ, दुनिया की कोई भी ताकत सनातन को संतों को मिटा नहीं सकती है। महाराज आप जहाँ जाते हो लफड़ा कर देते हो, अभी हम पंजाब में गए होते तो चल रहे बहुत ज्यादा हमारा पुतला बड़ा बना चला आएगा, हमने काम लिया है हरी उल्लाह वालों को, क्या कहेंगे विचार। हम तुमसे यही कहना चाहते स्वधर्म इन धर्म से या पर धर्म भया रहा, मेरे पागलो अपने धर्म में मर जाना लेकिन भूल करके भी सनातन धर्म को मत छोड़ना। हमारे पास जम्मू कश्मीर के बाबा ये भारत बाबर का नहीं रघुबर का है, जो राम का नहीं है किसी, जो राम का नहीं है किसी, जो राम का नहीं है किसी। और दूसरी बात जातियों में मत बट जाना, हम तो कमर से जलाने आए हैं, वैसे कुछ लोग तो यहाँ पर हम देख रहे पर्चा के चक्कर में यहाँ बैठे बागेश्वर बाबा आएगा पर्चा बनाएगा हमारी दुकान के बारे में बताएगा, कुछ लोगों की भक्ति बनेगी, लेकिन हम भी कम से ज्यादा बदमाश निकले
कैसे बदमाश, तुम पर्चा की बात कर रहे, हमने चाचा पकड़ा है, तुम पर्चा की बात कर रहे थे, हमने हनुमान जी की चर्चा पकड़ा दी, और पर्चा से बेकार व्यक्तियों का कल्याण होगा, लेकिन हनुमान जी की चर्चा से पूरे जम्मू कश्मीर का कल्याण। हमारे चक्कर में ना पड़ गया। दूसरी सर, लहसुन प्याज मांस मंगवा बंद करके महीने में एक बार, दो महीने में एक बार, तीन महीने में एक बार, जब टाइम मिले बागेश्वर धाम की बेसी करना प्रारंभ कर देना, ना समय मिले यहाँ पर बालाजी के दर्शन करने कोनी में आते रहना, जाओ तुम्हारा काम असफल नहीं होगा, सबसे बड़ा। तीसरी सर, तीसरी शर्त गंभीरता से सुनो मेरे पागलो, जितने भी लोग आज रात को हमारी बात सुने उनके चमत्कार के चक्कर में आए, मेरे पागलो, ना तो हम तुम्हें चमत्कार दिखाने आए हैं, ना हम प्रदर्शन करने आए हैं, हम तुम्हें सिर्फ जगाने आए हैं, चमत्कार पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको हनुमान जी का बनाना है, और हनुमान जी का इसलिए बनाना कि तब तक तुम दरबारों में भटकोगे, गुरुओं के चक्कर काटोगे, कब तक तुम तरह तरह के उपाय करोगे। तीसरी शर्त यह है, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ देना, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी के मंदिरों पर जाना छोड़ देना, या आज से अभी से बागेश्वर हनुमान जी पर अपना सब कुछ छोड़ देना। अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया तो हम तुम्हें गारंटी के साथ कह सकते, जिन बालाजी की कृपा से हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जो कहते हैं कि सनातन में क्या है, कौन सी ताकत, कोई शक्ति नहीं होती, संत पाखंडी होते हैं, जिन बागेश्वर बालाजी की कृपा से हम उनकी ठटुरी बाल रहे, जब तक जिएंगे तब तक ठटुरी बारेंगे, और आज तो हमें जल्दी जाना है, हम तुम्हें बचन देते हैं, एक बार यह महाराज जी को कथा सुनाएंगे, लेकिन फिर भी कथा सुनाएंगे एक बार, जब कथा सुनाएंगे तो दरबार भी लगाएंगे, सबकी सामने का भी लगाएंगे, लेकिन एक बात हम कहना जो चाह रहे वो ये है कि जिन बालाजी के बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकार के मेरे पागलो, तुम सदा सदा के लिए उनके हो जाओ, सदा सदा के लिए तुम उनके चरणों से जुड़ जाओ, उनके अलावा और देवता चिंतना हनुमत से संकट कटे, संकटों को नहीं काट सकता, क्यों, क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन है, इसलिए मेरे पागलो हम तुमसे यही कहना चाहते, आज से अपने घर पर ओम भागेश्वराय, ओम भागेश्वराय, ओम भागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो, नियम प्रारंभ कर दो, जाओ हम वचन देते हैं तुम्हें दर तक दरबार में नहीं भटकना पड़ेगा। जिन बागेश्वर बालाजी की कृपा से हम धर्म विरोधियों की झटनी बांटते हैं, तुम्हारे मंच पर भी हम खोल करके कह सकते हैं, भारत के सनातन के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब की क्षमता नहीं है बागेश्वर बालाजी के दरबार की शक्तियों का सामना करने, हनुमान जी की शक्तियों का सामना करने, कोई भी हरिउल्लाह वाला आ जाए पेंट गीला करके ही हम भेजेंगे, उसके बारे में इतना बताएंगे कि वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो, भारत हिंदू राष्ट्र की, संत योगेश्वर श्री
कौन कौन भाग्य सुधा मारा बताओ। क्या हम भी वचन दे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की है। तो भैया पेड़ पहनाता है, ब्रेकिंग न्यूज बनिए हमसे आगे बोला सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, अब दोनों हाथों की उठी बांधो, हम सबकी साधु में कर दिया सर। कहो हे नागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे नागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन लेते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। मणिमन बालाजी को सब लोग प्रणाम करें। सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, जी को प्रणाम करो, हमारे साथ बोले करो। बागेश्वराय नमः। श्री बागेश्वर हनुमान जी और सदगुरु सन्यासी बाबा जो हमारे दादाजी के दादाजी हैं, जिन्होंने 322 साल पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम पर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। साक्षात हनुमान जी प्रकट हुए थे, उन्होंने कहा वरदान मांगो, गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा ने कहा था जो भी बागेश्वर धाम पर आ गए उनका बेड़ा पार हो जाता। ऐसे श्री सन्यासी बाबा को दिए हुए वचन में आज संपूर्ण बुंदेलखंड के इस पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर देश दुनिया के करोड़ों लोग आते हैं। जो अर्जी लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी पद्धति है कि जो भी दरबार में बैठ जाते, पर्चा बने या ना बने, बात हो पाए ना हो पाए, रोग है, संकट है, व्याधि है, पीड़ा है, उपद्रव है, जो भी सामूहिक अर्जी लगाते हैं, घर पर नारियल बांध लेते
ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हैं, बागेश्वर हनुमान जी का पितर है मतलब चित्र रख लेते हैं, महीने में एक बार, छह महीने में, पांच महीने में, एक साल में, जब भी टाइम मिलता है और पेशी करता है व्यक्ति, जो अर्जी लगती है, जो पेशी होती है, त्यों त्यों आराम लगने लगता है और बारा जी की कृपा हो जाती है, रोग में, संकट में, पीड़ा में आराम लग जाता है, भूत बाधा प्रेत बाधा से मुक्त हो जाता है। तो आप जो भी अंजी प्रश्न जिज्ञासा लेकर के दिन से बैठे हो, समय कम है, रात्रि कालीन वेला है, पर पूज्य महाराज जी की तपोस्थली है, यहाँ पूज्य महाराज जी का जन्म स्थली है, तो आप जो भी अर्जी लेकर आए, मन ही मन तीन बार बागेश्वर हनुमान जी से प्रार्थना करो, हम आपकी अर्जी स्वीकार करवा देते हैं। ओ स्वीकार कर हम पर अपनी कृपा कर, जीवन भर आपके चरणों से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हे भागेश्वर हनुमान जी आज से ही हम पर कृपा कर, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे कलयुग के राजा, हमारा आपके बिना कोई नहीं। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आप जगत के पालन हारो, सबकी बिगड़ी बनाई, हमारी भी अर्जी सुनो, हमारी भी अर्जी सुनो, हमारी भी अर्जी सुनो। मन ही मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का शीर्ष सात बार उठाएं, पीछे की तरफ छोड़, बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो सात बार, इसलिए पीछे की तरफ छोड़, ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा भी है। दोनों हाथों को आपस में मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। हाथों में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा है वहां स्पर्श करें, बिना बात लिए हम आपको एक बात बोले, परम पूज्य जो महाराज जी हमारे बगल में बैठे हैं, हमारा केवल इस जन्म का नाता नहीं है, इनसे हमारा पूर्व जन्म का भी नाता है, बता दे हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें बड़े भाई के रूप में पूज्य महाराज जी मिले, बड़ा स्नेह है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, पौनी के पार लोग, याद रखना, आज तो मैं समझ नहीं आ रहा हूँ, कल तो मैं जरूर समझ आएगा कि तुम किस महापुरुष की छत्र छाया हो, इसलिए चमत्कार दिखाने आए ना हम दुनिया को चमत्कार दिखाने आए, मेरे भारत के लोगों, आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को सिर्फ भगवान पकड़ाने के लिए आए, चाहे जो हो जाए, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाए तो हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन तुमसे भी प्रार्थना है, दूसरे मजहब के चक्कर में मत पड़ जाना, सनातनियों को एकता में रहना, जब भी सनातन की बात उठे तो कृपा करके मोबाइल मोबाइल पर सनातन सनातन मत खेलना, अपने घर से बाहर निकल करके जवाब दे, जातिवाद में मत पड़ना, याद रखना, जब दिया ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे, और धर्म ही नहीं रहेगा शुभम जाति का क्या करोगे। कश्मीरी पंडितों का हाल की तुम्हें पता ही हो,
किस किस को पता है, हम कुछ बोलेंगे नहीं, नहीं तो कई लोगों के पेट डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए मेरे पागलो, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन बेटियां साक्षी बने, हम नहीं चाहते फिर से वो दोहराया जाए। इसलिए आओ जाओ, हम सब हिंदू और पौनी के जितने भी सज्जन आस पास के हैं, आप मन खिन्न मत करो, हम वचन देते हैं बहुत जल्दी आएंगे। आज से आप लोग हमारे हो, पौनी के लोग भी बहुत ऊंचे होते हैं। अभी हम चले आए थे रास्ते में, ऐसी एक बहुत पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं। हमारा एक चेला है चंगीरा, हमें मिल गया पौनी के पास, फिर तो उल्टा लगता था, अरे ठाकरी के पर उल्टा का है आपको, बोले गुरु जी सेवटा तो कर रहा है, हमका सेवटा करने से तुम्हारा उल्टा करने से क्या मतलब, बोले गुरु जी गोली खाई गोली, हम उल्टा क्यों लगता, बोला गुरु जी कहीं पेट में ना चली जा, इसलिए उल्टे लगते। हमका व्यवस्था करेंगे पौनी को तो नहीं, बोलो भाओ जो भी जय बोल। तो पौनी के लोग बहुत खतरनाक होते, एक बार पौनी पौनी है यही पर पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आया, चुनौती किसे कहते हैं बताइए। पौनी का लड़का बैठा टिल्लू गुरु पेपर देने, टिल्लू गुरु बैठा पेपर देने, उसने कहा चुनौती किसे कहते हैं, पेपर में प्रश्न आया, उसने लिखा आगे पढ़िए, दूसरा पेज निकाला आगे पढ़िए, तीसरा पेज निकाला आगे पढ़िए, चौथा पेज निकाला आगे पढ़िए, लास्ट का पेज आया उसमें लिखा तेरे पास मतलब हो तो पास करके बता चुनौती इसे करते। उस दिन के बाद खैर वो मास्टर भी जम्मू कश्मीर का था जिसने पेपर जांचा था, अब ये नहीं बताएंगे कि वो जम्मू का था कि कश्मीर का, क्योंकि अभी हमें साथ उसे जाना भी तो है। तो मास्टर ने उस दिन के बाद संन्यास ले लिया। तो पौनी के लोग बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन हम आज कहते हैं इस गांव का नाम पूज्य महाराज जी के नाम पर होना चाहिए। कभी पौनी तो है ही है, धार्मिक तीर्थ तो धार्मिक नगरी तो पौनी है ही है, महाराज जी के नाम पर और हो जाए तो चार चांद लग जाएंगे। कौन कौन सनातनी एकता के लिए तैयार है, हाथों की उठी कहो हम सब हिंदू एक है, आज हम वचन लेते हैं सभी हिंदू एक रहेंगे, जो भी हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा हम आवाज उठाएंगे। हम वचन लेते हैं हे हनुमान जी, जो भी संतों के खिलाफ उंगली उठाएगा हम जवाब देंगे। कौन कौन धर्मग्रंथियों को जवाब देगा, संतों के ऊपर कोई अगर टिप्पणी करेगा कौन कौन जवाब देगा, धर्म का विरोध कोई करेगा तो घटनी कौन कौन मारेगा, सनातन के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कौन कौन आपसे तैयार है, देते हैं। आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे पागे सरदार जी की है। बढ़िया मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, सिर पर खाते रहो, और जाओ सबकी अर्जी स्वीकार है, वहां बैठी बहन की तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार, सबकी अर्जी स्वीकार है, जितने भी लोग विराजमान है मुस्कुराते रहना, अब हमको जाना है और पिंटू भैया धाम अपने पास का भय आया जल्दी बोले, अब तुम्हारी जो
Yeah.
से दर्शन जो है वो करवा रहा हूँ। खबर में इतना ही, देखते रहो ऐसी जेके न्यूज़।